आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। बहुत ही जबरदस्त प्री रमदान प्रेप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत ही ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो वर्किंग वुमेन्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और वो खवातीन जो घर में अकेली होती हैं या फिर उनपे घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, बच्चों को संभालना, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और आप लोगों ने कम्प्लीट इसको वॉच करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सारे काम हम पहले इसलिए करके रख लें ताकि रमदान में हम अपनी इबादतों पर ज्यादा फोकस कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनिला। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना जो गार्लिक का पेस्ट है वो तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने 2 कप गार्लिक लिया है और 1/4 कप मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल, जो ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून होता है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। ये ऐड करके या आप ब्लेंडर में ऐड कर लें या फिर आप चॉपर में चॉप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जो ब्लेंडर जग होता है ना, उसमें भी आप इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ना जिंजर का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। सेम मेथड है, और सेम मेथड ही अगर आप ग्रीन चिली का पेस्ट तैयार करना चाहते हैं तो सेम मेथड के साथ आप ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास वो ऑलरेडी 1/2 बॉटल पड़ी थी तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने जस्ट जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ही तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने ना एक बैग में जस्ट लहसुन को ऐसे करके ना रख दिया है, जिसको मैं कर दूँगी फ्रीज़। जो बहुत रेसिपीज़ में ना हमें साबुत लहसुन की ज़रूरत होती है, तो मैं जो हूँ ना तब उन रेसिपीज़ में वो ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, जिसमें पालक, स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम और फ्रूट भी रखा है स्ट्रॉबेरी। और पालक को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ना किसी भी आप टोकरी में रख ली, मैंने एक स्ट्रॉ वाली प्लेट थी तो उसमें रख दिया है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और पानी में मैंने इसको ना भिगोकर ज़रा मैंने 10 से 15 मिनट रखा था, ताकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है तो वो निकल जाए। तो मैंने इसको ना यहाँ आप हाफ कर लें जस्ट, यहाँ एक स्ट्रॉबेरी के 4 पीसेस कर लें और इसको ना कट करके अच्छी तरह से हमने एक प्लास्टिक रैप में डालकर इसको फ्रीज़र में छोड़ देना है, एक ट्रे में रख लें ताकि ये एक स्लैब की तरह ना बन जाए। तो अभी मैं ना एप्पल्स को भी कट कर लूँगी, बनानास को भी कट कर लूँगी, और आप यकीन करें इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है ना। बच्चों को जब भी कभी मिल्क शेक पीना है फ़ौरन फ्रीज़र से निकालें और 1-2 मिनट वेट करें, इसको थोड़ा सा डिफ्रोस्ट होने दें और फिर इसको इसका मिल्क शेक तैयार कर लें। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है, इसमें आइस की भी ज़रूरत नहीं होती। और मैं अपने बच्चों को ना विदाउट शुगर ही बना कर देती हूँ, मैं शुगर वगैरह ऐड नहीं करती। अच्छा ही है कि आप वाइट शुगर जो है ना अवॉइड ही किया करें। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियंस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और मैं इनके जो रूट्स हैं ना वो उनको कट कर दूंगी, और वाइट वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट सेपरेट सेपरेट मैं इसको कट करूंगी। और कटिंग के बाद जो है ना इनको प्लास्टिक रैप में या फिर जिप लॉक बैग में आप ऐड करके तो फ्रीज़र में आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। सहरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑमलेट में ऐड करने के लिए, या फिर कोई भी हम सहरी में आलू की भुजिया या कुछ भी इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ज़रूर ये भी तरीका आप लोगों ने करके रखना है। ये सारी चीज़ें करने से कुछ भी जो है ना हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ऐसे करते, जितनी जितनी हमें ज़रूरत होती है। इससे ऑलमोस्ट हमारे 2 वीक्स गुजर जाएंगे, 1 वीक गुजर जाएगा। अगर फैमिली बड़ी है तो फिर उस हिसाब से ही आप लोग जो है ना अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ग्रीन वाला पार्ट भी जो है ना उसको सेपरेट मैंने एक प्लास्टिक बैग में ऐड कर दिया है और ऊपर से मैंने नोट लगा दिया है, इसको जिप लॉक बैग में ऐड किया है वाइट वाले पार्ट को, और इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। तो अभी हम कट कर लेंगे अपनी पालक, जो कि हम यूज़ करेंगे पकोड़ों के लिए। हाँ जी, पकोड़ों के लिए भी पालक को हम फ्रीज़ कर सकते हैं और उससे भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रिस्पी किस्म के आप लोगों के पकोड़े तैयार होंगे। अच्छा, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जैसे स्प्रिंग अनियन या फिर पालक या फिर हरा धनिया पुदीना वगैरह, ये बहुत जल्दी जो है ना फ्रिज में ख़राब हो जाता है। मेक श्योर करें कि इनको इस तरह करके रख लें और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब आप लोगों का दिल करे फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन से पकौड़े तैयार कर लें। अभी बारी आ जाती है बेल पेपर्स की, इनको भी हम ना कटिंग जो भी आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी से इनकी कटिंग करें और इनको भी हम फ्रीज़ करेंगे। हमें ये मैक्रोनी में, ऑमलेट में या किसी भी कोई भी रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं ना, कोई सैंडविचेस वगैरह, तो उसमें हमें ये इस्तेमाल करनी पड़ सकती है।
तो ये देखिए मैंने तमाम जो कैप्सिकम है ना उनको मैंने इस तरह से नीट कर लिया है, और अभी मैं अपनी पसंद की जो कटिंग है ना वो कर लूँगी। तो फ़ौरन से चुटकियों में ही मेरी कटिंग सारी हो चुकी है। तो मैं आपको ये जस्ट दिखाने के लिए कि मैंने किस तरह से कटिंग की थी इजी वे में, तो इस तरह से मैंने ना ये सारी कटिंग जो है ना इसी तरह से की थी, और बहुत ही ज़्यादा ये जल्दी हो जाती है। अगर आप लोगों को जूलियन कटिंग करनी है तो आप वो भी करके रख सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा ज़बरदस्त कलरफुल से लग रहे हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इनको सेपरेट सेपरेट भी जिप लॉक बैग में फ्रीज कर सकते हैं। मैंने जो है इनको एक साथ ही मिक्स कर लिया था, और एक ही बैग में मैं डाल कर ना इनको फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, जब आप लोगों ने इनको फ्रीज़ करना है ना तो फ्लैट करके ही आपने ना फ्रीज़र में इनको रखना है। तो आगे चलकर मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट बताती हूँ, रीज़न भी कि ये हमें क्यों करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ढेर सारा हरा धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है। अच्छा, इस बंच को मैं ना अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, जो भी येलो पत्ते हैं ना धनिए के वो निकाल दूँगी, और जो भी एक्स्ट्रा जो कचरा वगैरह था ना वो मैंने सारा रिमूव कर दिया है। और इसको मैं सेव करने का तरीका बताती हूँ। ये पूरा 1-2 वीक आपका पड़ा रहेगा, धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कोई भी किचन टॉवल ले लें साफ़ सुथरा सा, और इस तरह से ना उसको रोल कर लेंगे, और उसके बाद हमने एक प्लास्टिक बैग में ऐड करके ना इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। बिल्कुल भी आपका धनिया जो है ना ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तो है नहीं कि महीने भर हम यूज़ करें, ये 1-2 वीक में जो है ना फिनिश हो जाएगा। तो तब तक ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अभी ही कर लेते हैं अपनी जो इमली का पानी है ना उसको स्टोर। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम्स इमली ले ली थी, 1 लीटर पानी लिया था, और इसको अच्छी तरह से मैंने ना मिक्स कर लिया था, और इसका मैंने 1 लीटर से कम ही मैंने पानी लिया था, और इसको मैंने ना एक जग में ऐड करके, तो अभी मैंने ये ऐड कर दूंगी इन आइस क्यूब्स में, और हम इनको ना कर लेंगे फ्रीज़ ताकि ये अच्छे से हमारे क्यूब्स जो है ना वो तैयार हो जाए, और जस्ट हम इनको निकालें और किसी भी चाट में या कोई भी दही बड़े बना रहे हैं कुछ भी है तो उसमें जस्ट 1 क्यूब डाल दें। रोज़ रोज़ के झंझट से आप लोग बच जाएंगे कि रोज़ ही थोड़ी सी इमली निकालें और इसको पानी में सो करके और फिर ही चाट में हमने ऐड करनी है। जस्ट 1 क्यूब निकालें और इसको यूज़ कर लें। आप लोग यकीन करें, ये तमाम काम अगर आप करके रखेंगे ना तो आपको रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, थोड़ा सा मेरे पास ये इमली का जो वाटर था ना वो बच गया था, तो इसको मैंने एक बॉक्स में ऐड करके, तो इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको नीचे ही रख दें और 1 वीक में या फिर 5 दिन में इसको यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं हरी चटनी बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने एक बंच लिया है हरा धनिया, एक बंच लिया है पुदीना, कुछ मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, ग्रीन चिलीज़ ली हैं 8 से 10 अदर, और इन तमाम चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लेंडर में। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है भुना ज़ीरा ऐड किया है, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें हमारी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हरी चटनी जो है वो तैयार हुई है। तो आप इसको किसी भी तरीके के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, जिस तरह आपका दिल करे, बट मैंने जो तरीका यूज़ किया है वो मैंने एक लिया है बेकिंग ट्रे जो कि है कपकेक्स का, तो उसे मैंने कपकेक का एक पेपर रखा है, और 1 टेबल स्पून मैं अपने जो ग्रीन चटनी है ना वो उसमें ऐड करती जाऊंगी, और इतने ज़्यादा ज़बरदस्त और क्यूट से ये हरी चटनी के जो बार है ना वो तैयार हुए थे। तो इस तरह देखें मैंने एक और ट्रे भी इस तरह से रेडी कर लिया था, और इनको मैं फ्रीज़र में छोड़ दूंगी फ्रीज़ होने के लिए। तो अच्छा, सारे जो इसके रिज़ल्ट हैं ना, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ, ये सारे के सारे रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी ये किस तरह से जो है ना ये चीज़ें तैयार हुई हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये चटनी का मिक्सचर बच गया था तो मैंने दही ऐड करके आप लोगों को दिखाया कि कितने ज़्यादा ये ज़बरदस्त हरी भरी सी चटनी हमारी तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने 4 kg ले लिया है बोनलेस चिकन, तो अभी हम इसको कर लेंगे क्यूब्स में कटिंग, डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स में हम इसको कट करेंगे, कुछ बड़े क्यूब्स में कट करेंगे, कुछ छोटे क्यूब्स में, और कुछ को हमने ना मैरिनेट करके रखना भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये तमाम 4 kg चिकन जो है ना वो कट कर लिया है, कुछ बड़े क्यूब्स में, कुछ छोटे में, तो इनको मैं ना अच्छा ये जो अभी मैं आपको बॉल दिखा रही हूँ, ये मैं चिकन टिक्का बोटी और चिकन मलाई बोटी ये दोनों मैरिनेशन जो है ना वो करके रख दूँगी ताकि बहुत ही ज़्यादा आसानी हो, जस्ट निकालें और इनको कुक कर लें। तो ये अच्छा, इस चिकन को हम एज इट इज़ ही रख देंगे जिप लॉक बैग में ऐड करके, तो ये मेरे पास जिप लॉक बैग्स थे तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट ये 250-100 ग्राम्स के ये पैकेट्स तैयार हुए थे, तो इनको मैं उठाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दूंगी। तो अभी चलते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ जो कि है मलाई बोटी की।
तो यहाँ पर मैं ना इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। इसकी सेपरेट रेसिपी जो है ना, मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट रेसिपीज़ में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैरिनेशन की हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। साथ ही साथ ना मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मैंने रमदान स्पेशल में 4 डिफरेंट चटनियों की रेसिपियाँ जो है ना वो शेयर की हैं। इसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी और यहाँ पर मैं उसको फ़ोटो भी या वीडियो भी मैं लगा दूँगी ताकि आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चटनियाँ जो है ना वो तैयार हुई थी। तो जाकर ना आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपीज़ थी तमाम की तमाम। अच्छा, ये वीडियो मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है या फिर वो लोग जो जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी वो मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देखते हैं मेरी वीडियोज़ को आके, ये वीडियो उनके लिए है। बहुत से लोग आते हैं, कमेंट्स करते हैं बहुत ही बुरे बुरे, और बुरा भी लगता है, बट फिर हमें होता है कि चलो ये तो उनका काम है, जैसी उनकी थिंकिंग है उन्होंने तो वैसे ही कमेंट करना है, इसमें उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन आप लोग यकीन करें, किसी एक वीडियो के पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना हमारी, बहुत ज़्यादा। हमने अपने घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, एक वीडियो शूट करनी होती है, उसको एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, और एक एक चीज़ को हमें ना देखना होता है कि कभी कहीं किसी को कोई चीज़ हमारी बुरी ना लग जाए, कोई हम कुछ बुरा ना कर दें। बट इतनी ज़्यादा मेहनत होने के बावजूद भी अगर बैड कमेंट्स आएंगे या फिर आप लोग हमारी वीडियोज़ को वॉच नहीं करेंगे तो फिर ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि बुरा ही लगेगा। तो यहाँ पर है देखिए, मैरिनेशन टिक्का बोटी की भी होगी है, इसकी भी मैं इंग्रेडिएंट्स जो है ना यहाँ पर मेंशन कर दूँगी और इसकी सेपरेट वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर करूँगी डिटेल में कि आप लोग ये किस तरह से बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इनको किन चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बना लेंगे अपना स्टीम रोस्ट। ओ माई गॉड, ये इतनी ज़्यादा आसान रेसिपी है, इतनी ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर मैंने 1 kg जो है ना वो क्वार्टर लेग्स ले लिए थे, 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जिंजर ऐड कर देंगे और जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, भुना और कुटा हुआ जीरा ऐड कर देंगे, भुना और पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे, 3-4 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे, 3 टेबलस्पून हमने ऐड करना है लेमन जूस, 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ना हमने ऐड कर देना है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और ये और चिली फ्लेक्स, आई थिंक से मैंने नहीं मेंशन किया, तो चिली फ्लेक्स जो है ना वो हमने ऐड कर दिए हैं 1 टेबलस्पून। तो ये तमाम चीज़ें करके ना हमने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है, तो बाद में हम इसको स्टीम देते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने कर लिए हैं चनों को बॉयल, 1 kg मैंने चने लिए थे जिनको मैंने सॉल्ट ऐड करके ना 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम लगा लिया था प्रेशर कुकर में। आप इनको इस तरह से प्लास्टिक बैग में स्टोर करके, किसी भी शॉपर में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। आप यकीन करें, यह रमज़ान में इतना ज़्यादा आसान रहता है, किसी भी चाट में, दही बड़ों में, कोई सालन तैयार करना है या पुलाव तैयार करना है तो आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट फ्रीज़र से इनको निकालें और किसी भी चीज़ में यूज़ कर लें। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये टिप है आप लोगों के लिए। जल्दी से तैयार कर लेते हैं अपना पकोड़ा मिक्स। तो 800 ग्राम्स मैंने बेसन ले लिया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया, कसूरी मेथी ऐड कर दी है 2 टेबलस्पून और अजवाइन ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और जो भी आप लोग अपने घर में स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं ना वही इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें, जीरा ऐड कर देंगे ने भुना हुआ और इसको हाथ की मदद से मसल लेंगे, अजवाइन को भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा ना अच्छी खुशबू आती है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। यकीन करें इतना आसानी रहती है ना, इतनी ज़्यादा आसानी। अफ्तारी के टाइम आप लोगों को पकौड़े बनाने के लिए 10 डब्बे खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट एक ही डब्बा खोल लें, इससे पकौड़े तैयार कर लें, या फिर आप इससे ना बेसन, जो आलू के पकौड़े होते हैं ना बेसन लगे, वो भी इसे तैयार कर सकते हैं। पर मेरे पास ये 2 बॉक्सेस हैं, तो अभी जल्दी से ना हम अपने स्पाइसेस बॉक्सेस को रेडी कर लेते हैं। ये भी काम जो है ना रमदान से पहले ही करके रख लें ताकि पूरा महीना आप लोगों का ना बड़ा ही सुकून से गुजरेगा। तो यहाँ पर जो भी आपके घरेलू मसाले हैं, जो भी आप लोग आम रूटीन में मसाले यूज़ करते हैं, वो सारे मसाले जो है ना मैं इस बॉक्स में ऐड कर दूंगी। बड़ा ही ज़बरदस्त और यूज़फुल बॉक्स है जिसमें पोर्शंस बने हैं। तो अच्छा, एक बॉक्स में मैंने पीसे हुए मसाले यूज़ किए हैं, ऐड किए हैं, और एक बॉक्स में ना मैंने साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं और इनकी लुक देखें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे दुल्हन कोई तैयार हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना ये मसालों के डब्बे तैयार हुए थे और इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको बस देखते ही जाऊँ।
बहुत ही प्यारे ये लग रहे थे। तो ये देखें स्पेशली ये जो साबुत गरम मसाले वाला बॉक्स है ना, ये कितना क्यूट लग रहा है। मैंने सोचा कि ये इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं तो इनका स्पेशल मैं जो हूँ ना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ, इनका फ़ोटो शूट कर लूँ। और देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, इनकी स्पूंस मैंने इसके अंदर रख दी हैं और इनको उठा के हम अपने कैबिनेट में रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, अगर आपके पास से कहीं से मिलते हैं ना तो इनको ज़रूर ख़रीद लें और इनको यूज़ करें। तो हमारा जो रोस्ट है ना वो मैरिनेट हो चुका है। जितना आप लोगों के पास टाइम है उतना ही इसको मैरिनेट कर लें। और देखा आप लोगों ने कितने ज़्यादा कम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसको ना बस एक कढ़ाई में या किसी भी देगचे वगैरह में ऐड करके इसको स्टीम दे लें, जो इसका पानी एक्स्ट्रा बचा है वो भी इसमें ऐड कर लें। और पहले फ्लेम को आप तेज़ रखें 5 मिनट और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसको 30 मिनट के लिए स्टीम कर लें। तो ये देखें, अब यकीन करें इतना ज़्यादा ये जूसी और इतना ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुआ था। इसको मैंने इस तरह से ट्रे में फैलाकर ना फ्रीज़र में इसको छोड़ दिया ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। और फिर आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस रोस्ट को हमने किस तरह से यूज़ करना है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप मैं आप लोगों के लिए कर आई हूँ कि बिरयानी जो है ना हम झटपट मिनटों में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है, 2 बॉल्स में मैंने ऐड किया है। और तमाम स्पाइसेस और तमाम मसाले और तमाम चीज़ें जो बिरयानी में हम ऐड करते हैं ना वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप लोगों ने प्याज जो है ना वो कच्चा प्याज नहीं यूज़ करना है तो आप इसमें ब्राउन प्याज भी ऐड करके ना फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तमाम मसाले मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी कि मैंने क्या क्या मसाले इसमें ऐड किए हैं। तो बिरयानी के जो ये मसाला हमने तैयार किया है ना विद चिकन, ये हम प्लास्टिक बैग में ऐड करके इसको नोट लगा के इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। रमज़ान में हम क्या करेंगे, जस्ट इस पैकेट को निकालेंगे, डिफ्रोस्ट करेंगे, चावल बॉयल करेंगे और इसको जो है ना हमने 30 मिनट्स कुक करना है। अगर आप लोगों को पोटैटो ऐड करने हैं तो आप उसी वक्त जो है ना इसमें पोटैटो ऐड करिएगा बड़े बड़े कट करके। तो इसको हम भून लेंगे, कोरमा तैयार कर लेंगे और फिर हमने ना चावल बॉयल करके इसको दम लगा देना है। तो देखें कितनी ज़्यादा आसान जो है ना बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे टमाटर ले लिए हैं और डिफरेंट तरीक़ों से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से टमाटर हम सेव कर सकते हैं। 3 तरीके मैं यहाँ पर बताऊँगी। 1 तरीके में मैंने टमाटर को आगे और पीछे से क्लीन करके 4 पीसेस में कट कर लिया है और 1 बाउल में मैंने टमाटरों को जस्ट आगे और पीछे से क्लीन किया है और 1 बाउल में मैंने टमाटरों को रफली कट कर लिया है। तो ये जो भी रफली कट किए हैं ना इनको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। और ये वाले जो टमाटर हैं ना जिनको स्लाइस में कट किया है 4 पीसेस में, ये भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह से फ्रीज करना है। तो सबसे पहले मैं टमाटर की प्यूरी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक डीप डिश ली है, उसमें मैंने ना एक प्लास्टिक रैप लगा दिया है। मैंने जो सुफरा होता है ना जो हम खाने के टाइम यूज़ करते हैं, मैंने वो यूज़ किया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये तमाम टमाटर जो मैंने रखे थे ना इसकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है और इसको ना मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है और इसको मैं फ्रीज़र में छोड़ दूँगी। तो अच्छी तरह से जब ये फ्रीज़ हो जाएगा ना फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके साथ क्या करना है। अच्छा, ये टमाटर जो है ना इसको साबुत ही हम यूज़ करेंगे और जब आप लोगों ने इसको किसी भी हांडी में यूज़ करना है तो 2 मिनट या 1 मिनट आप बाहर रखें इसको, तो इसका छिलका नरम हो जाएगा तो फ़ौरन से उतर जाता है। तो अच्छा, ये वाले जो टमाटर हैं ना आप किसी भी कढ़ाई में, कोई भी कढ़ाई टाइप चीज़ बना रहे हैं ना तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी छिलके जब आप कढ़ाई में इसको सॉफ्ट करेंगे टमाटरों को तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से उतर जाएंगे छिलके इसके। अच्छा, इसको ना अभी रखे हुए मुझे 1 घंटा हो गया था तो मैंने 1 घंटे के बाद इसको निकाला है। तो जस्ट मैं इसके मार्क्स लगा दूंगी अभी ताकि जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी इसको डिमोल्ड करने में। तो वो जो हमारा रोस्ट है ना वो भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको भी हम किसी भी प्लास्टिक बैग में या फिर बॉक्स में ऐड करके फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। 1, डिफ्रोस्ट करें, 2, चूल्हे पर ग्रिल कर लें, 3, एयर फ्रायर में फ्राई कर लें। और ये जो मैं तमाम चीज़ें टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये आप किसी भी अच्छी सी दावत अगर आप लोगों ने करनी है तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें टमाटर ये भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके थे, अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ ये तमाम चीज़ें जो हमने की हैं ना उनके रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो ये देखें टमाटर जो इनको मैंने इस तरह से करके रखा था, ये मैंने सुफरा यूज़ किया था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं यही चूज़ करती हूँ। अगर मैं शामी कबाब भी बना रही हूँ तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो ये देखें सारे टमाटर जो है ना वो सेपरेट फ्रीज़ हो चुके हैं, ये जुड़े नहीं हैं आपस में बिल्कुल। अगर हम स्टार्टिंग में ही इसको बैग में डाल के रखेंगे ना तो वो आपस में जुट जाएंगे, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ये पहले तरीका करके देखा था तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ तरीका जो है ना वो शेयर करती हूँ क्योंकि ये अच्छा भी है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो प्यूरी है ना वो भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है, तो
तो इसको मैंने ना जस्ट एक नाइफ ली है और ऊपर से मैंने इसको ना अच्छी तरह से हाथ की मदद से प्रेस किया है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ना, अगर हमने इसके ये कट्स नहीं लगाए होते, इसके निशान नहीं लगाए होते, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होनी थी। तो देखें तब मैंने निशान लगाए तो हमें अभी हमें कितनी ज़्यादा आसानी हो रही है इसको डीमोल्ड करने में, इसको निकालने में। तो रमज़ान में आप लोगों ने करना क्या है कि जो भी हांडी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एक ब्लॉक निकालें, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा ब्लॉक था, एक ब्लॉक निकालें और अपनी हांडी में यूज़ कर लें, तो देखें कितनी ज़्यादा आसानी होगी ना आप लोगों को। तो इस तरह से हमें इसको भी ना प्लास्टिक रैप में ऐड करके बैग में, तो हमने ना इसको भी फ्रीज़र में रख देना है। तो ये देखिए कितना, ये सारे जो टमाटर हैं ना डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हमने इनको फ्रीज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये प्लेट इसलिए रखी थी ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए, इनमें थोड़ी सी ना स्पेस रहे और ये ज़्यादा जगह भी ना लें फ्रीज़र में। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा क्यूट हरी चटनी हमारी जो है ना वो तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट ये इसके ब्लॉक्स लग रहे थे, तो ये देखें। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना इनको फ़ौरन से हम लोगों ने निकाल कर तो फ़ौरन से इसको फ्रीज़र में वापस रख देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक ट्रे जो है वो 12 पीसीस का था और इस तरह से मेरे पास 24 जो है ना वो चटनी के इस तरह से ब्लॉक्स बन गए हैं। तो सोचें मेरा तो पूरा रमज़ान कितना ईजीली गुजरेगा, अगर आप लोग भी करके रखेंगे तो कितनी ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए। अभी डीमोल्ड कर लेते हैं जो इमली का पानी, हमने इमली का पल्प जो है वो तैयार करके रखा था इसको, तो इसको डीमोल्ड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजीली ये डीमोल्ड हो रहा था। तो ये देखें ये तमाम काम आप करके रखेंगे ना तो कितनी ज़्यादा आसानी होगी, और मतलब कि आपका रमज़ान भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरेगा, आप लोगों को टाइम मिलेगा आपकी इबादतों के लिए, आप लोगों के और भी 100 काम होते होंगे जिस तरह से हमारे होते हैं इतने ज़्यादा काम घर में करने के लिए। तो अगर ये छोटे छोटे से काम हम करके रख लेते हैं ना तो आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो ये देखें जो हमने चिकन बिरयानी के लिए मैरिनेट करके रखा था ये भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गया है। जो चिकन हमने फ्रीज़ किया था वो भी देखें आप लोगों के सामने है, ये चिकन टिक्का बोटी और मलाई बोटी, ये जो चिकन है ना ये आप लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा मैरिनेशन के साथ महंगे मिलते हैं, तो घर में अगर आप करके रखेंगे तो कितनी ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें जो चने हमने फ्रीज़ करके रखे थे ना वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं, तो ये एक ना गोला सा बन गया था, ये एक ब्लॉक सा बन गया था। तो इसको हमने करना क्या है, स्लैब पे ना ज़ोर ज़ोर से इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे, मारेंगे और ना ये चने जो है ना वो ऐसा ऐसा खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये बहुत ही इजी होता है, आसानी होती है। एक कप निकालें, दो कप निकालें, तो इसको नीम गर्म पानी में छोड़ दें, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इस तरह लगता है कि अभी हमने बॉयल किए हैं। फ्रीज़ की हुई पालक भी हमारे पास है, जो फ्रीज़ की हुई सेब थे वो भी हमारे पास हैं, देखिए इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये जो कैप्सिकम हमने कट करके मैंने बताया था ना आपको कि इसको हमने बिल्कुल फ्लैट करके रखना है और बाद में हमने इसको ज़ोर ज़ोर से स्लैब पे मारेंगे ताकि चीज़ें जो फ्रीज़ है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना जुड़ी हैं, अलग हो जाएं और फिर हमें यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। सेम इस तरह से जिस तरह से ये स्ट्रॉबेरी जो है ना ये फ्रीज से एक दूसरे के साथ चिपकी है, तो इस तरह से हम करेंगे तो ये सेपरेट होती जाएगी। सेम बाकी चीज़ों के साथ भी हमने इसी तरह से करना है, और इसको हम एक बैग में डालकर तो ऊपर से नोट लगा के इसको आराम से हम फ्रिज में रख देंगे, तो फ्रीज़र में रखेंगे ताकि जब भी हमें इसको यूज़ करना है किसी भी मीठे में, या फिर मिल्क शेक बनाएंगे हम बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए, तो बस निकालें और इसको हल्का सा डीप रोस्ट करें। तो इस तरह देखें बनाना भी हमारा फ्रीज़ हो चुका है, इसका कलर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये टिप आप उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं जब अगर आप लोगों का फ्रूट ख़राब हो रहा है, तो आप ये फ़ौरन से करके इनको फ्रीज़र में रख दें तो वो सेव रहेगा आपका। तो जल्दी से चलते हैं आप भी अपने फ्रीज़र को कर लेते हैं क्लीन, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रश पड़ा हुआ था मेरे फ्रीज़र में, काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने देखे रमज़ान से पहले ही इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है ताकि पूरा रमज़ान मेरा आराम से आसानी से गुजरे। काफ़ी मेहनत हुई है इस वीडियो के पीछे, 2 से 3 दिन लगे थे मुझे इस वीडियो को शूट करने में, मैं उस तरह बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। अच्छा यहाँ पर मैं ना प्राइस भी साथ साथ दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक मैं पीस लेकर आई थी डेकोरेशन का, जो कि मैं अपने इस काउंटर में लगा दूंगी ताकि पूरा रमज़ान ये आप लोगों को नज़र आता रहे। तो अच्छा और चलते हैं बाकी के मैंने और क्या क्या शॉपिंग की थी। तो ये एक मैंने रमज़ान क्रीम का कुशन लिया था, जो मैं कॉर्नर सेट करूंगी ना रमज़ान के लिए, एक घर में कोई भी कॉर्नर में चूज़ कर लूँगी तो उसको मैं सेट करूँगी, वहाँ पर मैं इसको रख दूँगी।
तो ये एक मैंने लिया था केक मोल्ड, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और छोटा सा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और ये लगा भी ऑफ़र पे था और मुझे बहुत ही ज़्यादा चीप मिला था। ये एक मैंने फ्राई आइटम्स के लिए बास्केट ली थी, टोकरी ली थी, तो मुझे ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी थी। ये कुछ किचन में यूज़ होने वाले कपड़े हैं जिन क्लीनिंग के लिए, या फिर डस्टिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये रमदान क्रीम के गिलास मैंने लिए थे ताकि हम रमदान में इनको यूज़ कर सकें। तो ये मैंने डेट्स के लिए एक जार लिया था, एक बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत पीस था, तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा चीप मिला था, ये भी ऑफ़र में था। ये आई थिंक सो 500 फील्स का मुझे मिला था। जो बहरीन से मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये कितना ज़्यादा ये चीप मिला है मुझे। तो ये जी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टी सेट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था। इसमें मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो चाय या फिर कहवा वगैरह पियेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं, ये भी मुझे ऑफ़र में ही मिला था। ये ऑलमोस्ट 10 BD का था तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा चीप मिला था। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो ऑफ़र लगी हुई थी। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने जल्दी से करना है सब्सक्राइब। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है। और ये आप लोगों ने फ्रिज में खाना रखना है ना तो आप लोगों के ऊपर कवर नहीं है तो इसको ना आप ऊपर से कवर कर दें। इस एक छोटा सा ना अंदर एक प्लास्टिक का ये रैप बना हुआ है उसके साथ आप कवर कर दें तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किचन के लिए और फ्रिज के खानों के लिए। तो ये कुछ बास्केट्स मैंने ली थी फ्रिज के फ्रीज़र में रखने के लिए, इसको मैंने प्रॉपर जो है ना वो सेट करने वाली हूँ तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक देखिए कितना खूबसूरत मुझे स्लैब मिला है, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और चीप भी था। तो ये बड़े बड़े बॉक्सेस मैंने इसलिए लिए थे ताकि मैं इनमें खाना स्टोर करके जो मैंने फ्रीज़र में रखना है ना फ्रीज़ करने के लिए, इसमें मैं स्टोर करके तो उसको ईज़िली जो है ना मैं फ्रीज़र में रख सकूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे ना एक सेट मिला था, डिनर सेट 22 पीसीज का, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था। और मुझे रमादान के लिए ना एक सेट मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि मुझे ना कुछ प्लेट्स वगैरह या कुछ इस तरह से ना बॉल मिल जाए। तो ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत मुझे सेट मिल गया, ये भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये भी ना चीप मिला। तो यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ कि मुझे ये कितने का मिला, ये मुझे 6 BD का मिला था और ऑलमोस्ट ये 15 BD का या 10 BD का था, मुझे एग्जैक्ट इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं पता। तो ये देखिए 22 पीसीस थे इसके और बहुत ही ज़्यादा ये क्यूट था। अच्छा वैसे मुझे ये कलर बस अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, बट मुझे ये था कुछ मुझे ना ग्रेश टाइप में या इस तरह का ना कुछ मुझे कलर मिले, बट इसमें जस्ट पिंक और ये ग्रीन कलर था। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो के स्टार्टिंग से ही बनाना और फ्रीज़ करना स्टार्ट कर दी थी। तो ये मैं सारी चीज़ें इन बॉक्सेस में ऐड करके इनको फ्रीज़र में हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फुल्कियाँ भी तैयार की थी, दही बड़े भी तैयार किए थे, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी। ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी तो इसको आप लोगों ने भी ना जाकर ज़रूर देखना है। यहाँ पर मैं इसका लिंक भी ऐड कर दूँगी और मैं इसकी फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग देख सकें। तो ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत मेरा फ्रीज़र साफ़ सुथरा सा लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये रमदान प्रेप की वीडियो पसंद आई है या आप लोगों ने इससे कुछ भी टिप हासिल की है या आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों ने ना जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो ये मस्ट करना है आप लोगों ने। अच्छा ये मैंने दो शीट्स ली थी, एक फ्रीज़र पर लगाने के लिए और एक कुकिंग रेंज पर लगाने के लिए, तो ये भी मैं रमदान से पहले जो है ना ये काम कर लूँगी। फाइनल लुक आप फ्रीज़र की देख सकते हैं और जाने से पहले आप लोगों ने ना अच्छा सा कोई कमेंट करना है, लाइक मस्ट करना है। ओके अल्लाह हाफिज़, ज़ो में रखी याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रमदान वीडियो के साथ।